हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली हमें ये पता चल गया था कि हम तीनों का यूज कैसे कर सकते हैं और फाइनली कब एग्जीक्यूट होगा और कब नहीं होगा। तो यार आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली का कंट्रोल फ्लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ, बस आपको क्या करना है, आप लोगों को बताया, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर अपना आईडी ओपन कर लिया है फ्रेंड्स, और जहां पर मुझे कोड की जरूरत पड़ेगी तो देखो कोड मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा कोड है जैसा कि मैं अभी तक यूज करता हुआ आ रहा हूँ। वैसे ही मैंने एक सिंपल सा कोड यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है। अब इस कोड की हेल्प से मैं आपको इन तीनों का कंट्रोल फ्लो समझाऊंगा। तो देखो सबसे पहला केस, इसमें हम इसे ब्रेक करते हुए चलेंगे, नो एक्सेप्शन। अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती है तब क्या होगा, मैंने लिखा नो एक्सेप्शन, क्या होगा सोचो आउटपुट क्या आएगा। तो आप लोग एक कॉपी पेन लेके साइड में रख लो और आउटपुट लिखते रहो, क्या होगा। सबसे पहले ट्राई चलेगा, कोई एरर नहीं है तो आपका क्या एक्सेप्ट चलेगा या नहीं, सीधा फाइनली चलेगा। और ये आपका लास्ट में क्या मेन कोड, मतलब ये मेन फाइल में, इसमें कोई ट्राई और एक्सेप्ट नहीं लिखा है, तो ये क्या है मेन कोड का फाइल है। ओके सॉरी, मेन कोड की स्टेटमेंट है। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, उसके बाद आएगा आपका हेलो 6 और हेलो 7। तो देखते हैं एग्जीक्यूट कराया मैंने, तो देखो सेम जो चीज अभी मैंने बताई थी, हेलो 1 2 3 6 एंड 7। ऑब्वियसली आई होप आपको समझ में आएगा, मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है तो उसका वर्क फ्लो क्या है, एक फ्लो क्या आपसे बना, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म हुआ। तो ये था क्या आपका सिंपल सा केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। इसी को मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। और अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो मैंने जो एक्सेप्ट लगाया था वो डिफॉल्ट वाला लगाया था। जो सेकंड केस है फ्रेंड्स, सेकंड केस बहुत अच्छा है। वो क्या बोलता है, इफ देयर इज एन एक्सेप्शन, क्या कि जो सेकंड केस है वो बोलता है कि नाउ वी हैव एक्सेप्शन, इफ देयर इज एन एक्सेप्शन इन कैच, कि यार एक्सेप्शन आ जाता है कहां पे, इनमें से किसी भी स्टेटमेंट पे। तो मैं बोल देता हूँ स्टेटमेंट नंबर 2 में, इफ देयर इज एन एक्सेप्शन एट स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 पे कोई एक्सेप्शन आ जाता है और वो हैंडल भी हो जाता है। एंड हैंडल, हैंडल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, हैंडल का मतलब क्या, उसका जो ये हैंडलिंग कोड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि ये मैच कर रही है इससे। तो आपको पता है डिफॉल्ट में तो आप कुछ भी डाल दो वो मैच कर जाता है। जीरो डिवीजन एरर मैंने डाल दिया और ये अब क्या आएगा आउटपुट आपका, तो अब आएगा आपका 1 1, के बाद सीधा यहाँ पर आपको क्या मिलेगी एक्सेप्शन। तो ये यहाँ से जंप होकर क्या आएगा सीधा यहाँ पर, तो 1 4 6 7 देखते हैं, आ जाओ फिर से एग्जीक्यूट कराया, तो 1 4 6 7 हुआ क्या, जैसे ही 1 एग्जीक्यूट हुआ, 1 होने के बाद जैसे 2 पे पहुंचा तो यहाँ पर क्या आ गई एरर आ गई, तो इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए क्या करा, 1 से सीधा जंप मार के इसके हैंडलिंग कोड के पास गया जो कि एक्सेप्ट में लिखा हुआ था। तो ये चला, ये चलने के बाद फाइनली तो आपको पता है हमेशा चलेगा। तो ये क्या था आपका केस नंबर 2 था। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बस हम कोड थोड़े बड़े बड़े लिख रहे हैं क्योंकि वो रिक्वायर्ड है आप लोगों को समझाने के लिए, बट है बहुत ईजी, अगर आप लोग समझोगे तो आप लोगों को चीजें तुरंत तुरंत समझ में आएगी। केस 3 क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा है केस 3, वो बोल रहा है इफ देयर इज एक्सेप्शन एंड ब्लॉक एक्सेप्ट ब्लॉक नॉट मैच्ड। बोल रहा है कि यहाँ पर केस 3 बोल रहा है इफ देयर इज एन एक्सेप्शन एंड एक्सेप्ट ब्लॉक इज नॉट मैच्ड। तो आओ देख लेते हैं ऐसा बनाकर, जो भी इसने बोला है मैंने यहाँ पर बना दिया है। कैसे, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आई, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आई 10/3 की, जो भी 10/0, जीरो डिवीजन एरर ही रेज कर रहा हूं मैं बोल रहा हूँ यहाँ वहां से तो जीरो डिवीजन आ रही है, बट यहाँ पे जो हैंडल हो रही है वो क्या है आपकी वैल्यू एरर है, वो क्या है आपकी वैल्यू एरर। फ्रेंड्स आप सोचो इस केस में आपका आउटपुट क्या आएगा, तो भाई लोगों इस केस में आपका आउटपुट आएगा 1, उसके बाद यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जैसे पहुंचने वाला होगा ये क्या बोलेगा, नहीं मैं तो हैंडल ही नहीं कर सकता ना, तो क्या आएगा आउटपुट, आपका आउटपुट आएगा 1 1, के बाद आपका सिंपल 6 और 6 के बाद आएगा एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब है ये चीज नहीं चलेगी आपकी, क्यों, क्योंकि ये आपका हैंडल ही नहीं हुआ है। तो देखो जैसे मैंने एग्जीक्यूट कराया तो 1 1, के बाद सीधा फाइनली चला और फाइनली के बाद आपका क्या एबनॉर्मल टर्मिनेशन, व्हाट एबनॉर्मल टर्मिनेशन। तो आई होप यार ये भी समझ में आ गया। तो इस केस में आप लोग यहाँ पर लिख दो वी गेट एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब 80, चलो पूरा लिख लेते हैं हम यहाँ पर एबनॉर्मल टर्मिनेशन। तो मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर और नेक्स्ट टाइम से मैं इसे लिखूंगा 80 शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग याद रखना, मैं बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा। तो इसे भी मैं क्या करता हूँ कॉमेंट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए,
और अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं सीधा सा केस नंबर फोर की तरफ। तो यार केस नंबर फोर बहुत इजी है। केस नंबर फोर क्या बोल रहा है कि केस नंबर फोर बोल रहा है कि इफ देयर इज एरर इन एक्सेप्ट ब्लॉक, इन एक्सेप्ट ब्लॉक, सिंपल सी बात है कि एक्सेप्ट ब्लॉक में भी एरर है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, जो होना है वो तो हो गई होगा। मतलब कि एक्सेप्ट ब्लॉक में आने के लिए मुझे पहले एक्सेप्ट ब्लॉक में जाना पड़ेगा, तो यहां से मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में पहुंच गया। एक्सेप्ट ब्लॉक में पहुंचते मैंने यहां पर भी क्या करी, एक एरर रेस कर दी, एक एरर रेस कर दी। ये क्या देगा मुझे, ये भी जीरो डिवीजन एरर देगा। तो इस केस में क्या होगा, तो फ्रेंड्स इस केस में जो आउटपुट आएगा वो आएगा वन, वन के बाद यहां से कोड जंप हो गया एक्सेप्ट में जाएगा, बट यहां पर भी एरर आ जाएगी। तो इसके बाद आपका क्या वन और सिक्स, वन और सिक्स चलने के बाद आपका क्या आएगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। तो देख लेते हैं चला के। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहां से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से हुआ है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेता हूँ तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। यहां से हेलो वन चला, हेलो वन चलने के बाद क्या चला, फाइनली ये। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मैं किसके पास गया, इसके पास, मतलब फाइनली तो बाद में चला, हेलो वन के बाद वो गया इसके पास, बट जब इससे हैंडल कर रहा था तो एक और एक्सेप्शन रेज हो गई। तो बोल रहा है ड्यूरिंग हैंडलिंग के अबव एक्सेप्शन अनदर एक्सेप्शन अकर्ड, ओके। और ये चलने के बाद क्या चला आपका, सीधा फाइनली। तो देखो फाइनली और वन आपका ये आउटपुट आ रहा है, बाकी आपकी क्या अब नॉर्मल टर्मिनेशन आ रहा है। तो ये चार केसेस का यार, आई होप आपको समझ में आएंगे जिसके, और हमने कॉम्बिनेशन लिखा है किस किस का, ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली का। इसके बाद आपका कहीं पर कोई भी आपकी एरर आए तो आपका अब नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, आपको ये याद रखना है। केस फाइव, केस फाइव क्या, इसके बाद अगर आप सोचो कि मैं यहां पर कोई एरर रेस कर दूं या यहां पर कोई एरर रेस कर दूं तो आपका क्या होगा, अब नॉर्मल टर्मिनेशन, ओके। और इस केस में भी आपको पता चल गया कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा है आपका, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ वी गेट एबनॉर्मल टर्मिनेशन, सो दैट जब आप इस कोड को अनकमेंट करो तो आप लोगों को चीज पता चल जाए कि एरर क्यों आ रही है। बिकॉज मल्टीपल केसेस है, मुझे आप लोगों को बताना है तो मैं सारे बता रहा हूँ आप लोगों को, और इसे मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट। यार आई होप आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी कि यार कंट्रोल फ्लो होता क्या है, ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली का वर्किंग क्या होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका फ्लो खत्म करने के बाद जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा था इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट सेपरेट वीडियो में भी मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, तो यहीं पर ही देख लेते हैं बिकॉज आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, तो मैं इसीलिए यहीं पर कंटिन्यू करूंगा। ऊपर का सारा कोड कमेंट है, मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश कर देता हूँ। और जो चीज मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है आपकी नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक। नेस्टेड, नेस्टेड जहां आ जाता है वहां पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट मैं इसे आप लोगों के लिए इतना इजी कर दूंगा, इतना इजी कर दूंगा कि आप लोग एक बार में समझ जाओगे। क्या है, मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है फ्रेंड बहुत मेहनत से, तो वो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। वो डमी कोड है, डमी कोड का मतलब बस मैं आप लोगों को समझाऊंगा, सैंपल है। सैंपल अगर आप देखोगे तो क्या है, सैंपल अनकमेंट करते हैं थोड़ी देर के लिए, कमेंट करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सैंपल है, इसे आप एग्जीक्यूट मत कराना, कुछ मत कराना। बोलना क्या चाहता है कि ये आपका नेस्टेड होता क्या है, नेस्टेड का मतलब है कि जो ट्राई है वो ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली इन तीनों को हैंडल कर सकता है, ओके। उसके बाद एक्सेप्ट में भी आप इन तीनों का यूज कर सकते हो और फाइनली में भी आप इन तीनों का यूज कर सकते हो, मतलब ट्राई का, एक्सेप्ट का और फाइनली का, ओके। तो ये क्या है आपका, एक सैंपल है। अब इस पे मैं आपके पास मल्टीपल कोड्स को परफॉर्म करके दिखाऊंगा, मल्टीपल केसेस आपको दिखाऊंगा, नेस्टेड पार्ट आपका इसी वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो अगर आप लोग देखोगे क्या, ट्राई में भी आप ट्राई एक्सेप्ट फाइनली को यूज कर सकते हो, ये क्या है ट्राई में, क्या है एक और ट्राई, तो ये क्या हो गया नेस्टेड। इस ट्राई को हैंडल कौन करेगा, ये वाला एक्सेप्ट, और इन तीनों के लिए जो इसका फाइनली होगा, इनका इस ट्राई का और इस ट्राई का, वो फाइनली क्या होगा, ये वाला होगा। मैं इस एक्सेप्ट की बात करूं तो ये वाले ट्राई के लिए एक्सेप्ट क्या है, ये है, ओके। और अगर फाइनली बात करूं इस ट्राई के लिए तो फाइनली ये है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग है। अगर इंटरनल देखोगे तो भाई इनके लिए अपने अपने भी ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब अगर यहाँ पे फाइनली में कोई कोड पहुंचता है तो वो पहुंचने के बाद इसका ट्राई उसे फिर से मैनेज करेगा, एक्सेप्ट भी मैनेज करेगा और फाइनली भी मैनेज करेगा। आप एक साथ दो ट्राई एक्सेप्ट फाइनली नहीं लिख सकते हो, बट यहाँ पर आप क्या एक के बाद एक लिख सकते हो, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि दो फाइनली एक साथ नहीं हो सकते या आपके ट्राई दो एक साथ नहीं हो सकते, बट एक्सेप्ट तो हो सकते हैं मल्टीपल। तो देखो यहाँ पर भी वही चीज है, आप इंटरनली यूज कर सकते हो, बस साथ में कुछ चीजें यूज नहीं कर सकते हो। तो यार देखते हैं, आ जाओ अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ स्ट्रक्चर को। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाना बता दिया है, स्ट्रक्चर से ये चीज हो सकता है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो चीजों को। केस वन में आप लोगों को बताऊंगा केस वन क्या है, मैंने कोड लिख रखा है आप लोगों के लिए, बस केस वन के लिए मैंने आप लोगों को कोड टेस्ट करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छा और छोटा सा कोड लिखा है मैंने, आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा। क्या लिखा है मैंने, मैंने क्या करा, ट्राई को यहां पर क्या करा है, नेस्टेड करा है सबसे पहले। तो केस वन हमारा क्या बनता है, ओके, केस वन बोल रहा हूं
कि केस वन मेरा बनता है कि मेरे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, मेरे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सबसे पहले मैं आपका केस वन बताता हूँ कि क्या है, कि मेरे पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये मेरा ट्राई है। ट्राई में क्या बोल रहा है कि अगर ट्राई में ये वाली लाइन प्रिंट होगी, ये वाली प्रिंट होने के बाद उसके बाद आपका जो डेटा होगा यहाँ पर चेक होगा, यहाँ पर चेक होने के बाद ये इसका एक्सेप्ट है और ये इसका फाइनली है। इंटरनल वाले के लिए ये पार्ट कितना है, इंटरनल के लिए, और यह है आउटर के लिए। तो अब सोचो फ्रेंड्स क्या होगा, होगा ये कि अगर कोई भी एरर नहीं हो तो आउटपुट क्या आएगी, मतलब सबसे पहले मेरा ये वाला ट्राई चलेगा, ये वाला ट्राई चलने के बाद अगर कोई भी एरर नहीं है, ये वाला ट्राई चल गया मेरा, तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, इस ट्राई के चलने के बाद आपका कोड यहां पर जाएगा, इनर मतलब आउटर से इनर जाएगा। यहां भी एरर नहीं है, यहां भी एरर नहीं है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, आउटपुट में आएगा सबसे पहले आउटर ट्राई ब्लॉक, फिर आएगा इनर ट्राई ब्लॉक, और इसके बाद चलेगा आपका क्या, फाइनली। ओके, तो देख लेते हैं, अब यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया हमारे पास कि फाइनली चलेगा या एक्सेप्ट चलेगा, तो देखते हैं क्या चलेगा। तो जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया आप लोगों को पता चल जाएगा आउटपुट में, और आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हुआ क्या, सबसे पहले आपका ये चला, फिर आपका ये चला, मतलब पहले यहां पर गया फिर वो यहां पर गया, यहां जाने के बाद अगर यहां पर एरर होती तो वो किस में घुस जाता था, कि एक्सेप्ट में घुस जाता, बट वो नहीं गया। ओके, क्यों, क्योंकि कोई एरर नहीं थी, बट यहां जाने के बाद उसे क्या पता चला कि मेरे पास फाइनली भी है, तो उन्होंने क्या करा, अपने फाइनली को एग्जीक्यूट करा, तो यहाँ पर इसीलिए क्या लिखा हुआ आया, इनर फाइनली ब्लॉक। तो इनर फाइनली ब्लॉक चलने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसने देखा यहाँ तो एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा है, बट एक्सेप्ट में तो जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई एरर ही नहीं है, तो इसीलिए आपका क्या चल गया, लास्ट वाला फाइनली चल गया। मतलब कि सबसे पहले ये चला उसके बाद फाइनली चला, और सीधा आपका ये वाला फाइनली चला, दोनों एक्सेप्ट छूट गए, दोनों एक्सेप्ट छूट गए। तो ये क्या था आपका, केस नंबर वन था। केस नंबर टू देखो क्या करते हैं, केस नंबर टू के लिए आप लोग गेस करो गाइस क्या होगा आपका आउटपुट। ओके, तो मैंने ये लिखा केस नंबर टू, और केस नंबर टू के लिए मैं इस कोड को करूंगा कॉपी और इसी को करूंगा पेस्ट। तो इसे मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ यार, स्ट्रक्चर के बाद हमने एक केस बनाया जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं थी, अब अगर एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगा। यहाँ पर मैं सीधा सीधा बात करता हूँ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्या, इफ देयर इज एन एक्सेप्शन, इफ देयर इज एक्सेप्शन देन वी गेट आउटर ट्राई ब्लॉक। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक्सेप्शन होती है तो मुझे क्या, देन वी गेट आउटर ट्राई ब्लॉक। तो एक्सेप्शन कहाँ रेस करूं मैं, सबसे पहले मैं एक्सेप्शन रेस करता हूँ यहाँ पे इस केस में, अगर मेरी यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है, अगर मेरी यहाँ पे कोई एक एक्सेप्शन आ जाती है तो मेरा आउटपुट क्या होगा। मेरा आउटपुट गाइस इसके मल्टीपल केसेस बनते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि मेन मेन आप जिनसे इनकाउंटर हो सकते हो। तो देखो यहाँ पर अगर आपका एरर आ रहा तो आपका आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले ये वाला ट्राई चलेगा, आपका क्या प्रिंट होगा, आउटर ट्राई ब्लॉक। आउटर ट्राई ब्लॉक प्रिंट होने के बाद जब वो यहाँ जाएगा और यहाँ पर जब एरर आ जाएगी तो वो यहाँ पर जाएगा, यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ तो एरर आ गई, तो ये क्या बोलेगा, ट्राई एक काम करो तुम मेरे एक्सेप्ट के पास चले जाओ, अल्टरनेट कोड के पास। तो जब यहाँ पर वो पहुंचेगा तो ये क्या बोलेगा, अच्छा जीरो डिवीजन एरर थी, चलो मैं ही बैठा हूँ यहाँ पर उसे हैंडल करने के लिए, मतलब मैच हो गई। मैच होने के बाद ये चलेगा, मतलब आउटपुट में आएगा आउटर ट्राई ब्लॉक, उसके बाद आएगा इनर एक्सेप्ट ब्लॉक, फिर आएगा इनर फाइनली ब्लॉक, और एट लास्ट आपका क्या आएगा, आउटर फाइनली ब्लॉक। तो देखते हैं क्या बोला मैंने, आउटर ट्राई ब्लॉक, इनर एक्सेप्ट ब्लॉक, फिर उसके बाद इनर फाइनली, और उसके बाद आपका आउटर फाइनली। तो देख लेते हैं आज जो मैंने बोला वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आउटर ट्राई ब्लॉक ऑब्वियसली बात है, फिर इनर एक्सेप्ट ब्लॉक, उसके बाद इनर फाइनली, और देन आउटर फाइनली। तो ये क्या था आपका, केस टू था, जब आपका क्या होगा, नेस्टेड ट्राई में नेस्टेड वाले पे कोई एरर आ जाती है तो आपका ये वर्क कैसे करेगा, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। केस थ्री देखते हैं, केस थ्री क्या बोलना चाहता है आपके लिए, केस थ्री बोलना चाहता है, बहुत इजी है केस थ्री भी, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए। केस थ्री क्या बोलना चाहता है, सिंपल सी बात है, इफ देयर इज एन एक्सेप्शन, इफ देयर इज एन एक्सेप्शन बट इनर एक्सेप्ट ब्लॉक ब्लॉक नॉट एबल टू मैच विद इट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सेम चीज है बिल्कुल, डिट्टो डिट्टो जो ये लिखा था ना मैंने यहाँ पर से कॉपी करा, मैंने यहाँ पेस्ट करा, डिट्टो यही चीज है, यही एरर रेज होगी, बट वो बोल रहा है कि यहाँ पर जीरो डिविजन एरर ना होके अगर यहाँ पर मैं लिख दू वैल्यू एरर, क्या लिख दू वैल्यू एरर, तो फ्रेंड गेस करो क्या होगा, सोचो अच्छे से, फ्लो देखो। सबसे पहले आउटर आएगा, आउटर आने के बाद ये वाला चलेगा, जैसे ही चला इसने यहाँ पर कोड को फेंक दिया अपने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एरर रेज हुई। इस एरर को हैंडल करते करते इनने देखा कि यार मैं तो जीरो डिवीजन एरर के लिए बैठा था, जहां से जीरो डिवीजन एरर आ रही है ये बोल रहा है यार मैं तो वैल्यू एरर के लिए बैठा हूँ, मतलब मैं तो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने हाथ खड़े कर लिया अपने। तो अब आपका क्या सिनेरियो बनेगा, अब आपका जो सिनेरियो बनेगा वो ये बनेगा कि आप, वो आपका ये बनेगा कि आपका जो एक एक्सेप्ट यहाँ भी बैठा है ये डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है, इसमें जैसे भी एरर आएगी हैंडल कर लेगा, तो ये जो थ्रो करेगा उसे कौन है पकड़ेगा, ये पकड़ेगा। तो अब जो आपका आउटपुट आएगा वो ये आएगा,
आउटर ट्राई ब्लॉक ऑब्वियसली बात है, फिर इनर ट्राई ब्लॉक। इनर ट्राई ब्लॉक में पहुंचेगा ये, मतलब उसके पास तक जाएगा, जाने के बाद वो इसे यहां से यहां थ्रो करेगा, उसके बाद क्या आएगा वो देख लेते हैं। चलो एग्जीक्यूट करा लेते हैं, मैं फिर समझा देता हूं। तो देखो आउटर ट्राई ब्लॉक, आउटर ट्राई ब्लॉक के बाद सीधा उन्हें यहां पर देखा, यहां देखने के बाद सीधा यहां देखा। इन दोनों ने क्या बोला, इसने तो थ्रो करी और इसने क्या करा, इसने एक्सेप्ट ही नहीं करी। जब इसने एक्सेप्ट नहीं करी तो ये दोनों वाइड हो गए, तो कौन बैठा था फाइनली, उनने बोला ठीक है फाइनली तो मैं तो चलूंगा ही चलूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई चले ना चले, फाइनली चल गया। बट जो ये बाहर वाला एक्सेप्ट था, इसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल तूने हैंडल नहीं करी तो मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो आउटर वाले ने इसे हैंडल कर लिया और लास्ट में फाइनली चल गया। तो हुआ क्या, यहां से सीधा आपके एक्सेप्शन रेज हुई, यहां पर आई, बट ये हैंडल नहीं कर पाया। तो इसको कौन, किसने संभाला, आपका एक्सेप्ट ने, आउटर एक्सेप्ट ने संभाला। तो ये क्या था आपका, केस नंबर 3 था। ओके होप यार आपको समझ में आ रही होगी चीजें, बिकॉज ये ऐसे ही है, इसे समझाने के लिए मुझे यही अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। आई होप यार आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स लास्ट केस देखते हैं, लास्ट केस क्या है मेरा। ओके तो केस 3 तो ये था, केस 4 क्या बोलता है, केस 4 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि केस नंबर 4। तो केस नंबर 4 बोलता है इफ, सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, कि इफ एक्सेप्शन इज रेज एट द आउटर ट्राई ब्लॉक, आउटर ट्राई ब्लॉक की जो आपकी जो एक्सेप्शन है वो आउटर ट्राई ब्लॉक में आ जाए। यार चलो सिंपल सी चीजें इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद मुझे इसे कमेंट करना है तो इसे कमेंट भी कर देता हूँ, बिकॉज ये बाद में डिस्टर्ब करेगा मुझे। तो मैंने इसे कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैं सीधा क्या करूंगा, आपके इस कोड को पेस्ट करूंगा। आप देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि ये तो नॉर्मल है, इससे तो मैं नॉर्मली कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसी को ही एरर में रेज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिंपल सा, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो क्या होगा। ओके अगर मैंने यहाँ पर लिखा क्या, इफ देयर इज एक्सेप्शन इन आउटर ट्राई ब्लॉक, यहाँ पर अगर मेरी क्या आ जाती है, एक एक्सेप्शन आ जाती है, तो क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये नहीं है कि होगा क्या, आपको पता है कि ये यहाँ से सीधा उठ के यहाँ जाएगा। ओके इंटरनली जाएगा ही नहीं, यहाँ पर इस ट्राई के पास से पहुंचेगा ही नहीं, ये यहीं से वॉइड होके यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये हम सबको पता है। बट माई क्वेश्चन इज फ्रेंड्स, क्या ये वाला फाइनली चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या पूछ रहा हूँ, क्या ये वाला फाइनली चलेगा या नहीं चलेगा, दैट्स द क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगी, ये फाइनली चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आता है, मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, और ऑपरेट कराने के बाद अगर आप आउटपुट ऑब्जर्व करोगे तो देखो क्या आ रहा, आउटर एक्सेप्ट ब्लॉक और आउटर फाइनली ब्लॉक। मतलब हुआ क्या, यहाँ पर आया यही एरर आ गई, तो यहाँ से जंप मार के सीधा यहाँ पहुंच गया, मतलब ये वाला पोर्शन उसने खुद ही स्किप कर दिया पूरा, फिर ये चला, और फाइनली तो हमेशा चलेगा ही चलेगा। एक चीज आप लोगों को, एक पॉइंट यहां से ये भी पता चला कि आपको फाइनली चलाने के लिए, फाइनली जब चलेगा, जब उसका ट्राई चलेगा, फाइनली देता हूं मैं, फाइनली डिपेंड्स ऑन, क्या लिखा, फाइनली डिपेंड्स ऑन ट्राई, बोलने का ये मतलब है कि जब इसका ट्राई ब्लॉक चलेगा तभी फाइनली इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा, मतलब ये ट्राई नहीं चला तो फाइनली भी नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट आप हमेशा याद रखोगे फ्रेंड्स, सब कुछ बता चुका हूँ इसके रिस्पेक्ट में मैं आप लोगों को, और थ्योरेटिकल फाइल और ये वाली फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो देखो मैं यहाँ पर डिटेल में, अगर आप लोग चाहो तो थ्योरी मैंने लिख दिया सेम, यहाँ तो मैंने एक लाइन में लिखा है बट यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है। तो यार ये फाइल और थ्योरेटिकल फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यार, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया कि नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट है क्या, अप्रोच क्या है इसकी, सारा का सारा बता चुका हूँ। मुझे बताओ कमेंट्स में अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं आई यार तो भी मुझे कमेंट में बताओ, मैं और अच्छे से ट्राई करूंगा, किसी और एग्जाम्पल से ट्राई करूंगा। बट इस वीडियो में इतना ही, एक बार इसे और रिवाइंड करके देखो, 2-3 बार देखोगे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, तो इसके बाद जितनी भी मैं कुछ भी कराऊंगा इसके बाद हम ट्राई एक्सेप्ट का यूज जरूर करेंगे। अभी हमें फाइल हैंडलिंग पढ़नी है, काफी कुछ पढ़ना है आगे चल के, GUI पढ़ना है, डेटाबेस पढ़ना है, तो बहुत सारी चीजें, उन सब में इन सब का यूज होगा। एक प्रोफेशनल कोड लिखने के लिए आपको ये सब चीजों का यूज करना आना चाहिए। तो यार फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।